हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बार फिर से समझेंगे इनपुट कैसे करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में देखा आउटपुट कैसे होता है, छोटा सा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब चूंकि हम लोग जावा सीख रहे हैं या जावा सीखना है, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये आपको एक डेफिनेशन देके मैं नहीं समझा सकता हूँ, ये आपको धीरे धीरे आराम से ही समझ में आएगा। तो अब हम लोग जो कोशिश करेंगे, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना करके ही सारा चीज सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे करा सकते हैं हम लोग। इनपुट का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ फीड करते हैं, डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वही इनपुट है। तो कोई भी प्रोग्राम में इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। तो यही इनपुट हम कैसे करेंगे, इनपुट कराने सीख जाए तो उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे करना ये आपको सीखना है, फिर आउटपुट कैसे करना ये सीखना है। तो हमने पिछले क्लास में हल्के में देखा कि आउटपुट कैसे कराते हैं। हालांकि कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट तो होगा ही होगा, प्रोसेसिंग भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इनपुट प्रक्रिया, प्रोसेसिंग का प्रक्रिया और आउटपुट का प्रक्रिया हर प्रोग्राम के लिए कॉमन होगा। प्रोसेसिंग ना भी हो ज्यादा तो इनपुट और आउटपुट तो एटलीस्ट होगा ही। तो इनपुटिंग कैसे कराएंगे ये हम सीख रहे हैं। इनपुटिंग किस में करते हैं, वेरिएबल्स में करते हैं। वेरिएबल्स क्या है ये मैंने आपको बताया है। वेरिएबल्स आर द रिजर्व स्पेस जहां हम जो भी डेटा फीड करते हैं उन्हीं वेरिएबल्स में वो जाता है। तो आपके सामने देखिए एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम दिख रहा होगा लंबा, बट ये लंबा नहीं, बहुत मामूली है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देखिए ये क्या है, अगर आपको इनपुट कराना है तो आपको ये लाइन लिखना है। ये लाइन क्यों लिखना है, इसके पीछे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हल्के में बता दूं कि यूटिल नाम का एक पैकेज है, सब पैकेज है, जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं। उन्हीं क्लासेस को हम यूज करना चाहते हैं इनपुट करने के लिए। जो फंक्शन है उन्हीं क्लासेस में है, उनको यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने इम्पोर्ट किया है उसे। कि जावा पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर सभी चीजों को, स्टार या एस्टरिस्क रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन दैट पैकेज, इन सभी चीजों को इम्पोर्ट कर लो, जिसका जब जरूरत होगा हम यूज करेंगे। आसान शब्दों में इसे लिखना है, अगर आप इनपुट कराना चाहते हैं तो लिख देना है पहले। उसके बाद क्लास, जावा के प्रोग्राम में हम लोग सारा चीज क्लास के अंदर ही रखते हैं। क्लास का नाम हमें दे देना है, मैंने दिया है इनपुट नाम, क्योंकि हम इसमें इनपुट करें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में देखा था या समझा था कि INT करके एक वेरिएबल हमने बनाया था, उसमें कुछ वैल्यू असाइन किया था। असाइन करना मतलब INT A इज इक्वल टू 5, ऐसा 5 वो वैल्यू दे रहे। बट इस प्रोग्राम में हम लोग को देखना है कि हम प्री डिफाइंड वैल्यू वहां नहीं डाल रहे हैं, हम यूजर के द्वारा, मतलब हम जो प्रोग्राम रन कराएगा वो बंदा डालेगा नंबर, फिर उस नंबरों के साथ जो हमें करना है वो हम करेंगे। तो यहाँ बाइट क्या है, सॉर्ट क्या है, दिस ऑल आर डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर होल्डिंग इंटीजर्स। इंटीजर नंबरों को रखने के लिए, सिंपल नंबरों को रखने के लिए, इंटीजर्स को रखने के लिए, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को रखने के लिए, ये चार व्यवस्था है। बाइट छोटा कंटेनर है, यानी छोटे मोटे नंबरों को रखने के लिए। सॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा है, INT उससे भी बड़ा है, और लॉन्ग सबसे बड़ा है। अगर हम बाइट्स में बात करें तो बाइट डेटा टाइप 1 बाइट जगह रैम में लेता है, सॉर्ट 2 बाइट जगह रैम में लेता है, INT 4 बाइट जगह रैम में लेता है, और लॉन्ग 8 बाइट जगह रैम में लेता है। और चूंकि ये ज्यादा बाइट लेता है, इसलिए इसका रेंज भी सबका अलग अलग है। बाइट का सबसे छोटा रेंज है, लॉन्ग का सबसे बड़ा रेंज है। तो प्रायः या ज्यादातर INT का रेंज इतना होता है कि बड़ा छोटा सभी नंबर को हम लोग आसानी से रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए आप ज्यादातर प्रोग्राम्स में देखते होंगे INT का इस्तेमाल हो रहा है। मगर हम इन डेटा टाइप्स का भी वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने ये व्यवस्था बनाया, आपको पता है कि इस तरह से लिखने से वेरिएबल्स बन जाता है रैम में। हाँ, वेरिएबल वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो रैम में ये जगह रिजर्व कर लिया हम। उसी तरह से अगर हमें कैरेक्टर रखना है, एक अक्षर, कैरेक्टर का मतलब होता है एक अक्षर, एक कोई सिंबल, कोई लेटर, जैसे ए एक अक्षर हो गया, फुल स्टॉप एक अक्षर हो गया, एट द रेट ये एक अक्षर हो गया, कोई भी निशान, कोई भी तरह का सिंबल, वो एक अक्षर हो गया। वैसे अगर किसी एक आध अक्षर को ही हमको रखना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, तो हम उसे ऐसे रख सकते हैं इस तरह से। कैरेक्टर एक स्पेशल चार लिखते हैं, CHAR जो रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम रख सकते हैं। हम सिर्फ अभी व्यवस्था बना रहे हैं, जगह रिजर्व कर रहे हैं मेमोरी में, रैम में, कि हमें ये रखना है। एक ही प्रोग्राम में मैंने सभी डेटा टाइप्स को कोशिश किया शामिल करने का।
अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे किसी का नाम, किसी का पता, किसी का कुछ लंबा चौड़ा अक्षरों का समूह अगर हमें रखना है तो स्ट्रिंग के साथ इनपुट इनपुट थोड़ा सा नंबरों के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये ज्यादा अच्छे से सीखना पड़ता है। फिर भी मेरे पहले प्रोग्राम में मैंने इसे शामिल किया है आपके लिए। फिर फ्लॉट, फ्लॉट मतलब होता है वैसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो, जैसे 3 ये इंटीजर है बट 3.6 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो 3.6 इस तरह के नंबरों को हम इन डेटा टाइप्स में नहीं रख सकते हैं, ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए, पॉइंट रखने के लिए ये नहीं तैयार है या नहीं बना है, ये अलग तरह का कंटेनर है। ये वही बात हो गया कि दूध रखने का अलग कंटेनर है, सब्जी रखने का अलग कंटेनर है, होता है उसी तरह का गया है। तो फ्लॉट टाइप डेटा को रखने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसके लिए फ्लॉट डेटा टाइप है, उसका एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसका एक नियम है, वो नियम के तहत, नियम मेरे एक वीडियो में डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। डबल, जिस प्रकार मैंने बताया कि बाइट का छोटा रेंज होता है, छोटे नंबरों को रखने के लिए होता है, लॉन्ग बड़े नंबरों को रखने के लिए होता है, और उस बीच भी कुछ व्यवस्था, वैसे ही फ्लॉट में भी है, छोटा रेंज इसका है, ये 4 बाइट जगह लेता है, डबल 8 बाइट जगह लेता है, इसलिए काफी बड़ा इसका रेंज है। ये हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे अपनी स्पेशल क्लास डेटा टाइप के बारे में जो होगा उसमें। ये क्या है भाई, आप ध्यान दीजिए कि लिखने का तरीका, क्लास इनपुट, ये कर्ली ब्रेस खुला है और यहां से यहां तक पूरा डेटा सेक्शन है, हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं, जितना डेटा का जरूरत है, जितना वेरिएबल का जरूरत है। ये इन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए मामला, तो उसको आसान शब्दों में समझिए कि अगर हमें इनपुट कराना है यूजर के थ्रू, तो हमें ये एक सेंटेंस, ये एक स्टेटमेंट, ये एक लाइन लिखना पड़ेगा, हूबहू ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ हम क्या बदल सकते हैं, यहाँ हम इस वाले इन को बदल सकते हैं, ये इन वहीं पर रहेगा, ये इन तो यही रहेगा, मगर ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये एक वेरिएबल का नाम है, ये एक आइडेंटिफायर का नाम है, ये इस नाम को हम कुछ भी दे सकते हैं, इन या एप्पल, मैंगो, गुआवा, कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन इसलिए दिए हैं कि इनपुट कराना है, इसलिए दिए हैं। तो ये पूरा लाइन अभी तुरंत आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने न्यू क्यों लिखा है, फिर हमने स्कैनर क्यों लिखा है, फिर सिस्टम इन क्यों लिखा है, ये अभी समझने का चीज नहीं है। बस अभी आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसे बस लिख देना है, ये आगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया कि इस तरह का डेटा हमें, या इतना तरह का डेटा हमें स्टोर करना है, ये पहले हमने लिख लिया, देख लीजिए लिखने का तरीका, कर्ली ब्रेस हुआ और ये सब हमने लिख लिया। हर एक के आगे एक सेमी कोलन लगाना है, ध्यान रहे, और इस तरह से काम करना है। अगर हमें 2 इंटीजर्स को इनपुट कराना है, जैसे हम एक एक डेटा ले रहे हैं, अगर हमको 2 या 3 करना है तो कॉमा दे सकते हैं, IN5, IN6, IN7 ऐसे दे सकते हैं हम, ऑफकोर्स। तो ये इंटीजर टाइप 4 वेरिएबल्स बन गया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बना देते हैं, यूज करना नहीं करना हमारे ऊपर है, जगह रिजर्व हो गया। तो मैं ये कॉमा देके इसलिए समझा रहा हूँ कि तो आपको समझ में आए कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल एक बार में बन सकता है, हम एक बार में कॉमा लगा के जितना चाहे उतना मर्जी वेरिएबल बना सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये देखिए, ये हमें लिखना है void accept data, ये accept data फंक्शन का नाम है, ये भी वेरिएबल के नाम की तरह ही है, ये नाम भी हम खुद अपने मर्जी से दे रहे हैं। ये void, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, मतलब अब फंक्शन की बारी आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पहले डेटा हम बनाते हैं कि हमें इतना डेटा इनपुट करना है या यूज करना है, वो वेरिएबल पहले बना लिए जो हमने यहाँ पे किया, फिर हम फंक्शन बनाते हैं, बस यही काम हमारा होता है और कोई काम नहीं है, डेटा बनाना और फंक्शन बनाना बस। तो हम ये फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, पहले void लिखते हैं, void की जगह में और भी कुछ लिखा जाता है, बट पहले क्लास में या स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में सिर्फ ये समझिए कि void लिखना है, कोई भी नाम दे देना है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और ये पैरेंथेसिस ऑन ऑफ कर देना है। क्यों भाई ऐसा क्यों करना है, ये तरीका है एक फंक्शन को डिफाइन करने का, और भी तरीके हैं मगर ये सबसे सिंपल तरीका है, इसलिए पहले इसको फॉलो करना है आपको एज ए बिगिनर। तो ये फंक्शन, तो फंक्शन भी शुरू होता है और बंद होता है, ठीक है, ये फंक्शन का बिगिनिंग और एंड को दर्शा रहा है, ये करली 2 कर्ली ब्रेस, और उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन का क्या फंक्शन होगा, वो क्या क्या करेगा जब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, तो वो यहां से यहां तक डिफाइन किया हुआ है। अब इन्हें हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए, ये पुराना अपना कोड है आउटपुट कराने के लिए, हम एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं कि इंटर एनी नेम और एनीथिंग। तो किसी वजह से एक सलाह मैं देना चाहूंगा कि नाम वगैरह इनपुट शुरू में ही करा लेना ठीक होता है,
बाद में भी करा सकते हैं, बट थोड़ा सा परेशानी होता है, उस परेशानी के बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। नाम वगैरह जब इनपुट कराना है तो आप पहले नाम को ही इनपुट करा लीजिए अगर कराना है, तो फिर बाद में नंबर रोक लीजिए ताकि सुविधा से सब काम हो जाए। गौर करिए कि नाम वाम रखने के लिए हमने स्ट्रिंग डेटा डिफाइन किया है, तो डेटा डिफिनेशन हम किसी भी क्रम में कर सकते हैं, मतलब ये कि बाइट हम पहले लिखे हैं तो बाइट ही पहले यूज होगा, ऐसे नहीं, कभी भी कोई भी यूज हो सकता है। तो अब देखिए लिखने का तरीका को ध्यान दीजिए। S1, ये हमारा वेरिएबल पहले से बना हुआ है S1, तो S1 किस तरह का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? किसी का नाम पता है, कुछ लंबा चौड़ा लिख के रखना है एक लाइन वगैरह, तो हम स्ट्रिंग टाइप डेटा डालते हैं। तो S1 equals what? In dot next line. यहां पर in dot next line क्या है? तो next line एक फंक्शन है जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो जावा बनाने वालों ने बनाया है, जिसका काम है एक लाइन को इनपुट कराना। कहाँ है ये फंक्शन? तो ये फंक्शन स्कैनर नाम का क्लास में है। स्कैनर क्लास कहाँ से आया भाई? तो स्कैनर क्लास भी बनाने वालों ने बनाया है। उसे कहाँ रखा है? तो स्कैनर क्लास जो है हमारा यूटिल पैकेज में है, और यूटिल जावा नामक पैकेज में है, इसीलिए हमने इसे इंपोर्ट किया था। तो उतना डिटेल में मत जाइए, आसान शब्दों में समझिए इन डॉट नेक्स्ट int। ये इन कौन सा इन है, कहाँ सा इन? यही इन है। यहां अगर आप इन लिखे हैं तो यहां भी आपको इन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये इन जो है हमारा इसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ये इन जो है हमारा एक्चुअली ये बहुत सारा टेक्निकल बात अभी आप तुरंत सीखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करके चलिए। हाँ, ऐसे लिखना है, ये नियम है, ऐसे लिखना है, ठीक है? तो नियम क्या कहता है कि जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू रखना है वो वेरिएबल पहले लिखिए, फिर इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए, फिर इन ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ जो आपने नाम लिखा है, यहाँ अगर कुछ और एप्पल मान लेना लिखे तो यहाँ भी एप्पल डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही इन है, इसी के माध्यम से ये सारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ये नेक्स्ट लाइन क्या फंक्शन है? ये नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए फंक्शन है। तो हमें नेक्स्ट लाइन ये लिखना है अगर हमें किसी का नाम या कोई लाइन रीड करना है, तो ठीक है, हो गया। तो हम जो भी नाम डालेंगे वो इसमें रीड हो जाएगा, यानी S1 वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं भैया, एक मैसेज लिख रहे हैं कि इंटर फोर इंटीजर्स, चार टू इंटीजर आप डालिए। तो आप देखिए इंटीजर बाइट भी होता है, शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, सब होता है। तो हमें पीएन वेरिएबल देखिए क्या है, ये बाइट के लिए है, SN वेरिएबल शॉर्ट के लिए है, इन थ्री हमारा इंटीजर के लिए। तो सब में मैंने इन डॉट नेक्स्ट बाइट एक फंक्शन, अब ये याद रखना है कि नेक्स्ट बाइट, अब लिखने का तरीका को ध्यान देना है कि नेक्स्ट स्मॉल है, बाइट कैपिटल है, बी कैपिटल है, और स्पेस कहीं नहीं है, ये फंक्शन का नाम ऐसे ही दिया जाता है, या दिया जाता है मतलब आप दे भी सकते हैं, ये तो पहले रेडीमेड फंक्शन है ये सारे, तो ये पहले से बना हुआ है और आपको यही नाम लिखना है। अगर आप यहाँ बोलेंगे कि स्मॉल बी लिख देंगे तो क्या होगा, तो ये इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैंने आपको बताया है जावा केस सेंसिटिव होता है, तो कैपिटल बी है तो कैपिटल बी ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो फिर जो भी हम नंबर डालेंगे फीड करेंगे वो B1 में चला जाएगा, दूसरी बार जो नंबर फीड करेंगे वो S1 में चला जाएगा। रैम में कैसे जा रहा है आपको पहले दिखलाया है पिछले वीडियो में, शॉर्ट में यहाँ जाएगा और लॉन्ग में यहाँ चला जाएगा, ठीक है भाई? और क्या होगा इस फंक्शन में? और मैंने इस फंक्शन में बोला है कि भैया एक अक्षर भी इनपुट कराना है, ठीक है? अक्षर के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया है? C1 कैरेक्टर टाइप। अब अक्षर को रीड करने का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बहुत सिंपल नहीं है, मतलब सिंपल ही है, याद रखने के ऊपर है, ये लिखना पड़ता है। अब ये क्यों लिखना पड़ता है ये मत फिलहाल समझिए, बस ये लिखना पड़ता है ये समझिए, अगर आपको एक अक्षर इनपुट कराना तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? और इसका कोई रोल नहीं है, हो गया। फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है खाली, मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ से प्रोसेसिंग मतलब एग्जीक्यूशन शुरू होगा और यहाँ से जाते जाते यहाँ तक जाएगा, उसके बाद काम खत्म, ठीक है? तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एक्सेप्ट डेटा, और कोई फंक्शन का जरूरत है क्या? देख लीजिए है तो हाँ भाई एक और जरूरत है, आउटपुट कराने के लिए जरूरत है, तो ठीक है वैसे ही बना रहे हैं। देखिए void लिखा है यहाँ भी, यहाँ एक्सेप्ट कर रहे थे इसलिए एक्सेप्ट डेटा लिखा है, यहाँ आउटपुट कराना इसलिए आउटपुट नाम दिए है, ये नाम हमारे ऊपर है, फिर वही है यहाँ भी, वही है यहाँ भी है, तो मेरे फंक्शन बनाने का एक तरीका है। फिर यहाँ भी हम फंक्शन का आगाज बता रहे हैं कि भाई यहाँ से शुरू होगा यहाँ अंत होगा, अब बोलेगा यहाँ तो तीन लाइन लिखे यहाँ पर इतना सारा क्यों लिखे? हम इसमें यही कराना चाहते हैं, हम जो कराना चाहते हैं वो हम करा सकते हैं। हम क्या कराना चाह रहे हैं? आउटपुट bn का वैल्यू, bn वेरिएबल में जो कुछ गया है ये bn में उसका वैल्यू, c1 का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं और s1 का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। आप बाकियों को क्यों नहीं प्रिंट कराना चाहते? बस नहीं कराना चाहते, मेरी मर्जी,
हम नहीं कराना चाहते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करा रहे हैं। और कुछ कराना है इस फंक्शन में? अभी फिलहाल तो इतना ही कराना है, तो भाई बंद करिए फंक्शन बंद। तो हमने दो फंक्शंस बनाए और हमने इतने सारे डेटा बनाए। अब इन सबको यूज हम लोग करते हैं एक विशेष फंक्शन में, जिसे हम लोग मेन फंक्शन कहते हैं। और मेन फंक्शन में जो कुछ लिखते हैं हम लोग, जो कुछ करते हैं, वही सिर्फ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। मेन फंक्शन से ही हमारा काम शुरू होता है, इसलिए इसका नाम ही है मेन। और उसको लिखने का ये तरीका है। अब पब्लिक क्यों लिखे, स्टैटिक क्यों लिखे, ये धीरे धीरे हम लोग आराम से समझेंगे। फिलहाल यही लिखना है, ये अपने दिमाग में रखिए, और यही लिख देना, और इसी तर्ज में लिखना है। यानी एस कैपिटल है, यहाँ ध्यान दिया जाए तो कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। सबके पीछे कारण है, मगर एक सिंगल क्लास में सारा कारण आप नहीं समझ सकते। फिर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी हमने क्लास का नाम दिया है इनपुट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने स्कैनर एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया इन, और फिर उसके सारे फंक्शंस को हमने इस तरह से यूज किया, वैसे ही हम अगर इनपुट नामक क्लास के फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, ये है एक फंक्शन एक्सेप्टर, ये तो हमें भी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये नियम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्यों होता है ये हम लोग धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्लास का नाम लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए, मैंने लिखा ob1, यहाँ भी कोई भी नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम है। उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखते हैं और फिर क्लास का नाम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे वजह है, जो मेरे ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियोज है उनमें आप आसानी से ज्यादा चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बट हम रिवाइज कर रहे हैं। फिलहाल आप उसी तर्ज में समझिए कि ऐसे ही लिखना है अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो। फिर हम ob1.accept data लिख रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल होगा पहले। पहले हम चाहे तो आउटपुट भी कर सकते हैं, मगर पहले जब आउटपुट होगा तो सबका वैल्यू जीरो दिखाएगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए पहले हम लोग एक्सेप्ट कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को इन्वोक करते हैं इस तरह से। कैसे करते हैं, ob1 लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं। ऐसे ही लिखना है, सारा चीज का नियम है, नियम को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। तो एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, और कॉल होगा तो ये सब एग्जीक्यूट होगा, और ये जब हो जाएगा तो फिर आउटपुट कॉल होगा, तो ये सब एग्जीक्यूट होगा। आइए अब इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल ऑलरेडी कराया हुआ है, बट फिर भी आपको मैं दिखा दूं कि input.java को मैंने कंपाइल कराया, अगर कोई दिक्कत हो तो दिखाएगा, फिर मैं रन कराता हूं। तो जैसे ही हम इनपुट रन कराएंगे, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था मेन फंक्शन वो चुनता है और उसी को पहले रन कराता है। तो मेन फंक्शन हमारा ये है, इसमें पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट बनाओ, ये आदेश है कि भैया ऑब्जेक्ट बनाइए पहले। तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट डेटा कॉल करेगा, वही करेगा। देखिए ऑब्जेक्ट बना लिया इंटरनली रैम में, वो हुआ तुरंत, फिर वो एक्सेप्ट डेटा नामक फंक्शन को कॉल किया। आ जाइए यहाँ, क्या करना है ये देखिए, ये है उसका पहला इंस्ट्रक्शन, ये रन किया, एंटर नेम और एनीथिंग। अब आप देखिए कि ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इस फंक्शन की वजह से। ये वेट कर रहा है कि आप कुछ डाल के एंटर बटन दबाइए। तो यहाँ कुछ भी डालिए, कोई भी नाम डालिए, जैसे एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, किसी का नाम या कुछ भी, एनीथिंग लिख रहे हैं, एनी स्पेस थिंग, दोनों लिख रहे हैं, स्पेस भी डाल रहे। फिर इससे हुआ इंटर, जैसे ही हमने दबाया क्या हुआ, रैम में s1 में, s1 नामक स्ट्रिंग वेरिएबल में, ये एनीथिंग जाके स्टोर हो गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर इंटर फोर इंटीजर्स, यही लाइन रन कर रहा है, इंटर फोर इंटीजर, और ये पहले रुका हुआ है आपका एक नंबर के लिए, जिसे मैंने 78 डाला, ये 78 चला गया bn में। फिर रुका है इसके लिए सॉर्ट डेटा, फिर मैंने डाला इसमें कुछ भी, जैसे कुछ भी 85, फिर इंटीजर, फिर इसके लिए रुका है in3 के लिए, अभी जो डालेंगे in3 में जाएगा, बड़े नंबरों को डालते हैं, वो उसमें चला गया। अब इसमें जा रहे हैं लॉन्ग में, तो और बड़े नंबर को डाल रहे हैं। तो अब आप ये पूछेगा कि भाई कैसे पता चलेगा बाइट सॉर्ट आइंटी लॉन्ग का क्या रेंज, हम कितना बड़ा तक डाल सकते हैं, तो ये हम लोग डेटा टाइप के क्लास में पढ़ेंगे, या नेट में आप अभी तुरंत भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों वेरिएबल्स में इस तरह से नंबर जा रहा है। फिर अब देखिए कितना तरीके से ये काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं बस उतना ही कर रहा है, उससे इतना कम ना ज्यादा। एक अक्षर, कोई एक अक्षर दे दीजिए, जैसे कि कोई जैसे हैश, या कोई भी अक्षर दे सकते हैं, abcd भी लिख सकते, और उसके बाद फिर कहानी खत्म। एक्चुअली ये एक बार ये डालना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। आपको याद होगा एक नीन डॉट नेक्स्ट आइंटी लिखा हुआ था पहले, उसी को एक्सेप्ट कर रहा था।
कर लो इशू। तो अब आप देखिए, जब ये काम खत्म हो गया तो आउटपुट फंक्शन को फिर यहाँ पर खत्म हो गया तो फिर क्या है भाई, फिर आउटपुट फंक्शन को कॉल करना। तो आउटपुट फंक्शन कॉल हुआ, bn का वैल्यू डाल रहा है, देखिए bn का वैल्यू 78 है ये दिखाया। फिर c1 का वैल्यू हमने हैश डाला था, ये इसमें चला गया, और s1 का वैल्यू दिखा रहा है एनीथिंग, वो आ गया। तो इस तरह से काम हो गया हमारा। उसके बाद काम खत्म, देखिए काम खत्म हो गया। अब इसमें कुछ बदलाव करते हैं, जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल b1, एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, द कैरेक्टर यू एंटर्ड, कोई सेंटेंस अगर लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे उसमें, ठीक है, कोटेशन मार्क के अंदर इस तरह से, एक स्ट्रिंग लिटरल है, और कुछ भी, योर नेम इज, बाकियों को भी आप प्रिंट करा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करिए, नया कोड लिखिए, वेरिएबल b1 है ना, ln4 का वैल्यू प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर बस चेंज कर दीजिए ln4, या ln4 प्लस n3, दोनों का सम दिखलाएगा आपको, यहाँ पर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर,